Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you will be fine. In the last lecture I told you about the patriotism and the grammar part of the unit. So in this lecture we are going to translate the patriotism. So please focus on the reading, the correct pronunciation and the words meaning. Take out your pencils and write the meanings of difficult words. So let's start. Our topic is patriotism. पेट्रोटिज़म का मतलब होता है हुब्बुल वतनी, यानी कि किसी भी इंसान का अपने मुल्क से प्यार हुब्बुल वतनी कहलाता है। इसी के बारे में आज हम अपने यूनिट में पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे कि हमारे कौन से पेट्रोटिक हीरोज़ हैं और उन्होंने क्या किया और वो क्या कहते हैं किसी भी पेट्रोट के बारे में। पेट्रोटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। पेट्रोटिज़म मोहब्बत हुब्बुल वतनी, मदरलैंड मादरे वतन, डिवोशन वालहाना लगाओ। मोहब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से प्यार या अपने मुल्क से वालहाना लगाओ। अ पेट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग, एक हुब्बुल वतन अपने वतन से प्यार करता है एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड्स अराइजेस, और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए दिल से तैयार रहता है। नीड अराइजेस ज़रूरत पड़ने पर, और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए दिल से तैयार रहता है। विलिंग दिल से तैयार रहना, किसी चीज़ की दिली तौर पे ख्वाहिश करना। द वर्ड पेट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रियोटा। ये लफ्ज़ पेट्रियट जो है वो लातीनी लफ्ज़ पेट्रियोटा से निकला है, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब है कंट्रीमैन, मुल्क का बशिंदा, यानी कि हम वतन या मुल्क का रहने वाला। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। हुब्बुल वतनी जो है यानी कि इसे बहुत ही काबिल तहसीन खूबी समझा जाता है। किसे? हुब्बुल वतनी को। इसको बहुत ही कमेंडेबल, काबिल तहसीन क्वालिटी, खूबी, इसको बहुत ही काबिल तहसीन खूबी समझा जाता है। तो इस पैराग्राफ से बेटा साथ में आपने आपके क्वेश्चन बबल्स हैं, हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए कौन सेक्रीफाइस करता है, आपने अभी रीडिंग की है तो आपको पता होना चाहिए कि एक पेट्रियट जो होता है, एक जो हुब्बुल वतन होता है, जिसको वतन से प्यार होता है, वही सेक्रीफाइस कर सकता है अपने मुल्क के लिए, कुर्बानी दे सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पैराग्राफ। पेट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज, स्ट्रेंथ ताकत, करेज हिम्मत हौसला, टू सेफ गार्ड बचाना द इंटरेस्ट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको बताया था देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सेम वर्ड, एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट का वैसे मतलब देखें तो दिलचस्पी होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट इस यूनिट में है तो इसमें इंटरेस्ट का मतलब है मुफाद, हमारे मुल्क के मफाद एंड नेशन कौम के। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए, मतलब हुब्बुल वतनी मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत करने के लिए कुव्वत और हौसला देती है। फॉर अ पेट्रियट, एक हुब्बुल वतन के लिए द सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, इत्तेहाद, यूनिटी एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री, मुल्क का वक़ार, आर द सुप्रीम वैल्यूज़, बहुत अहम मकदार हैं, ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड, जिस पे कोई भी समझौता नहीं हो सकता। अब इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं कि एक हुब्बुल वतन, एक मुहब्बुल वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और वक़ार अहम तरीन इकदार हैं जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता। पेट्रियट रेंडर्स सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़। पेट्रियट हुब्बुल वतन रेंडर देता है सेक्रीफाइस, कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन का मतलब होता है प्रिजर्व, बका, हिफाजत, महफूज करना, प्रिजर्व करना, महफूज करना, बका करना एंड प्रोटेक्शन, हिफाजत करना ऑफ दीज वैल्यूज़ इन इकतदार की। अब एक हुब्बुल वतन इन इकदार की हिफाजत और तहफ़ के लिए कुर्बानी देता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें बेटा इस नेक्स्ट पैराग्राफ पे हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात होगी, सो प्लीज़ फोकस।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज़ अ नेशन बिल्डर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मामार थे एंड अ ग्रेट पेट्रियट। एक और एक अजीम हुब्बुल वतन थे, मोहब्बुल वतन थे। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द, वो चाहते थे हिफाजत करना द वैल्यूज़ इकदार की, कल्चर सकाफत की और ट्रेडिशंस रिवायात की ऑफ द मुस्लिम मुसलमानों के ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि बरसगीर के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरसगीर के मुसलमानों के वक़ार इकदार सकाफत और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम्स आ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी शिनाख्त का एहसास, एक अलग शिनाख्त का एहसास बाई सिक्योरिंग, हासिल सिक्योरिंग हासिल करना अ सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा मुल्क फॉर देम, उनके लिए। अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करके उनके अंदर शिनाख्त का एहसास दिया, यानी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुल्क हासिल करके उन मुसलमानों में अपनी एक शिनाख्त का एहसास दिलाया। ही सेड, आपने फरमाया, वी मस्ट डिवेल्प आ सेंस ऑफ पेट्रोटिज़म, पेट्रोटिज़म यानी कि हुब्बुल वतनी का एक एहसास पैदा करना चाहिए, ज़रूर मस्ट ज़रूर, विच गैल्वनाइज़ मुतहरिक करना अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, जो कि हम सबको एक मजबूत, ओके, हमें हुब्बुल वतनी का फ़ायदा, उन्होंने फरमाया कि हमें हुब्बुल वतनी का एक एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम तमाम को, हम सब को मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए मुतहरिक कर दें, मतलब कि हमें एक ऐसा हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होना चाहिए जो हम सारे सबको एक मुत्तहिद कौम बना दे। तो ताकि जब, बेटा आपको पता है, आपने एक स्टोरी भी पढ़ी है कि इत्तेहाद में बरकत है, कि जब एक आप इकट्ठे होते हो, मुत्तहिद होते हो, तो आपको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, बजाय इसके कि आप सेपरेट हो जाते हो तो आपको तोड़ना ईजी हो जाता है। तो दस, तो नेक्स्ट पैराग्राफ, तो इस बेटा पैराग्राफ में हमारा क्वेश्चन बबल है, हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड, किसने की थी स्ट्रगल, हु लेड द, आपको क्या लगता है कि बेटा किसने स्ट्रगल की थी कि पाकिस्तान को, इनको अलहदा मुल्क हासिल करने के लिए? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, बेटा हमारे नेशन बिल्डर थे, उन्होंने, उनकी कोशिशों का ये नतीजा है कि आज हमारे पास अपना एक मुल्क है। द स्पिरिट ऑफ पेट्रोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, किसी भी बैरूनी हमले के नतीजे में ये जो जज्बा हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें हमेशा चौंकना रखता है, यानी कि हम हमेशा तैयार रखते हैं किसी भी गैर मुल्की हमले के लिए। इन द हिस्ट्री तारीख में ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की देर आर मैनी इंस्टेंसिस का मतलब है मिसालें, तो हमारे इस पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, व्हेन पीपल लेड डाउन कुर्बान कर देना देयर लाइफ, अपनी जिंदगियां फॉर द डिफेंस, हिफाजत के लिए ऑफ द कंट्री, मुल्क की। हमारे पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जब लोगों ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियों की कुर्बानी दे दी। इन द वॉर्स ऑफ 1965 1965 और 1971 की जंगों में एंड द कारगिल वॉर, और कारगिल वॉर जंग में मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाही गेव देयर लाइफ इन द अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, के कारगिल की लड़ाई में और 1965-1971 की जंगों में हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने मुल्क की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें दे दी। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ बर्टी, शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सोवर मोहम्मद हुसैन, लैंस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालच जान, ऑल एम्बैरस्ड मार्टर्डम वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, एम्बैरस्ड नोश फरमाना, गले लगा लेना, मार्टर्डम शहादत, वाइल फाइटिंग ब्रेवली बहादुरी से लड़ते हुए फॉर देयर होमलैंड, अपने मुल्क की।
इन सारे बेटा ये हमारे सारे मिलिट्री पेट्रियोटिक हीरोज़ हैं जिन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान में अपनी कुर्बानी दे दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनकी अपनी फैमिलीज हैं, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। जब हमारा वतन हमारे सामने आ जाता है तो हमें कोई चीज़ नहीं समझ आनी चाहिए कि क्या चीज़ हमारे सामने, कोई चीज़ हमें रोक के ना। तो ये वो सिपाही थे, ये वो शहीद थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी अपने मुल्क के लिए और जामे शहादत नोश फरमाया। ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड, इन सब को नवाजा गया निशाने हैदर, निशाने हैदर से द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू द, तो सबसे जो कि सबसे बड़ा फौजी तमगा है गिवन टू द ग्रेट पेट्रियट्स, उन अजीम हुबुल वतन को दिया जाता है हु ले डाउन देयर लाइफ फॉर द कंट्री, जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है। अभी हमने इसके बारे में बात की, निशाने हैदर, निशाने हैदर हमारा सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है जो कि इन सारे हमारे पेट्रियोटिक हीरोज़ को दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। द लास्ट पैराग्राफ, पेट्रियटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है चनाचे महज एक एहसास नहीं है, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन, बल्कि ये एक ऐसा जिंदा या कवि जज्बा है जो मुसलसल किसी कौम में तहरीक पैदा करता है और उसकी रहनुमाई करता है। इंस्पायर, तहरीक पैदा करना, जो मुतासिर करना, जो ना सिर्फ मुतासिर करता है बल्कि कौम की रहनुमाई भी करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट के लफ्ज़ों के मुताबिक, के अल्फाज में कि मतलब उन्होंने जो कहा, अ मैन डिवॉइड ऑफ पेट्रियाटिक स्पिरिट, एक आदमी डिवॉइड जिसमें नहीं है पेट्रियाटिक एक हुब्बुल वतनी का स्पिरिट जज्बा, कि एक आदमी हुब्बुल वतनी के जज्बे के बगैर, इज़ लाइक द वन हु, बिल्कुल उस इंसान की तरह है, हु ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल, विद सोल सो डेड, जो जिंदा तो है एक मुर्दा रूह के साथ, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड, जो कभी भी अपने आप से भी ये नहीं कहता, दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड, कि ये मेरा अपना आबाई वतन है। तो बेटा ये सारा हमारी ट्रांसलेशन थी। आई थिंक सो कि आप लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स राइट डाउन किए होंगे। तो अगर आप लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स राइट डाउन किए हैं और अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन आपने सुनी है, तो आगे हमारे जो एक्सरसाइज में हमारी ग्रॉसरी है और क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स यू मस्ट हैव to write the meanings of these words. I have already written this. आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैंने ये वर्ड पहले से यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको ईजी हो जाए इसको समझना। डिवोशन का मतलब होता है लगाव पैदा करना, ठीक है, किसी चीज़ का लगाव की मोहब्बत, वहाँ रहना लगाव, लॉयलिटी किसी के साथ अच्छा रहना, यानी कि रहना मतलब कि किसी के साथ प्यार का इजहार करना, प्यार में रहना, यानी कि किसी के साथ अच्छे रहना, किसी के साथ अपनी लॉयलिटी जाहिर करना, वफादारी जाहिर करना। कमेंडेबल काबिले तहसीन, एडमायरेबल काबिले तारीफ, सुप्रीम बहुत अहम तरीन, हाईएस्ट इन स्टेटस, अहम हाई दर्जे पर, वैल्यू इकदार, वर्थ कीमत, यानी कि हाई वैल्यूज हाई वर्थ, नेटिव आबाई, वन फ्रॉम वंस मदरलैंड, हमारे जो हमारी मादरी वतन होता है वो नेटिव आबाई। तो ये तो थे हमारे बेटा डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनके मीनिंग्स मैंने दिए हैं। आप लोगों ने अब इनको उर्दू में भी इनके मीनिंग्स लर्न करने हैं और इनका इंग्लिश में भी लर्न करने हैं क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन आता होता है सिनोनिम्स के या मीनिंग्स के तौर पे भी, तो ये आप लोगों को दोनों में आने चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट है कम्प्रीहेंशन का, तो आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज्म, आप पेट्रोटिज़म को कैसे डिफ़ाइन करोगे, उसकी तारीफ कैसे करोगे, व्हाट आर द क्वालिटीज़। तो आप लोगों को बेटा ये मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी ये पेट्रोटिज़म क्या है,
अपने मुल्क से मोहब्बत हमें पेट्रोटिज्म कहलाता है, ठीक है, अपने मुल्क से प्यार पेट्रोटिज्म कहलाता है. व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रोट, पेट्रोट की क्वालिटीज क्या हैं. इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू लव फॉर द कंट्री, सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री एंड प्रोटेक्ट द लॉज, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, कल्चर फॉर द ऑफ द कंट्री एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. ये सारी क्वालिटीज हैं ऑफ पेट्रोट के. एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर योर ड्यूटीज टूवर्ड्स योर कंट्री. पाकिस्तान के शहरी होने के हवाले से आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है वतन के लिए. तो आपका ये लिख सकते हैं कि आपको वतन से प्यार होना चाहिए, आप वतन के लिए कोई भी कुर्बानी, कभी भी आपको उनको मुल्क को ज़रूरत पड़े तो आप उसके लिए कुर्बानी दे सकें. तो आप रूल्स फॉलो करें, आप यानी कि लॉज फॉलो करें, तो आपके यही पेट्रोटिक आप हो जाएंगे. कि आप ज़रूरी नहीं होता कि बॉर्डर्स पे जाके जंग लड़ना ही पेट्रोटिज्म कहलाता है. मुल्क में रहते हुए हम उनके लॉज को फॉलो करें, उनके ट्रैफिक रूल्स को, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें तो हम तो भी पेट्रोटिक हो सकते हैं. व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, जब गैर मुल्की हमले होते हैं तो हमें अलर्ट कौन सी चीज़ रखती है. पेट्रोटिज़म हमें अलर्ट रखती है. एलेबरेट द गिवन क्वाइट ऑफ कायदे मोहम्मद अली जना, कायदे मोहम्मद अली जना की ये जो क्वाइट है इसको एलेबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है. वी मस्ट डिवेल्प अ सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म, कि पेट्रोटिज़म का जो एहसास है वो हमें अंदर पैदा होना चाहिए. विच गैल्वनाइज अस इन ऑल इन टू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम के लिए मुतहरिक कर दे, गैल्वनाइज मुतहरिक कर दे. तो इसमें क्या है कि हमें ये कायदा कहना चाहते हैं कि हम इतने पेट्रोटिक हो जाएं कि हमें हुब्बुल वतन की इतनी तरगीब दी है कि हम अगर हम हुब्बुल वतन हो जाते हैं तो हमारी ये जो कौम है हम एक हो जाएंगे. जब हुब्बुल वतन का जज्बा पैदा होगा ऑटोमेटिकली बेटा हम सारे एक हो जाएंगे. तो ये थे हमारे आंसर, क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि सारे बेटा क्वेश्चन जो हमने रीडिंग की है उसी से रिलेटेड थे. तो आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई होगी. तो नेक्स्ट बेटा जी हमारा सी पार्ट है वोकैबलरी का. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो कुछ वर्ड्स हैं जिनके आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं. यहाँ पे देखिएगा कुछ वर्ड्स दिए गए हैं सी पार्ट के जिनके आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं. फर्स्ट वर्ड है सेक्रीफाइस, कुर्बानी देना. कमेंडेबल, काबिले तहसीन. प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली. इन्वेजन, हमला. मदरलैंड, मादरे वतन. रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार. नेशनलिज्म, कौमियत. ठीक है, कोई भी चीज़ हुब्बुल वतनी या कौम परस्ती. तो नाउ आई टेल यू द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स एंड दिस हेल्प्स यू टू मेकिंग द सेंटेंसेस. तो अब आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा कि इन वर्ड्स को जब आपको इनके मीनिंग्स आते होंगे तो इनको चेंज करना सेंटेंसेस में आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा. तो नेक्स्ट हमारा बेटा ग्रामर पार्ट आ गया है जिसको हम लोगों ने कल हमारे मॉडल लेक्चर में डिस्कस किया था. तो ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कल मॉडल लेक्चर में इसके बारे में बताया था ताकि जब आज हम एक्सरसाइज करें तो आपको पता होना चाहिए. तो रिकॉल हो जाएंगी हमारी दोबारा से वो कल वाला लेक्चर भी और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं कि मॉडल वर्ब्स, व्हाट आर द मॉडल वर्ब्स. Recall the modal verbs in your mind. के modal verbs कौन से verbs हैं. कि are a kind of the helping verbs. They show the mood of the verb. जो show करते हैं, mood करते हैं कि हो सकता है, कर सकता हूँ, शायद, ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये modal verbs होती हैं. ठीक है, so देखते हैं. Can, could, may, might, would. इन सब के फंक्शंस क्या होते हैं, टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी. के मुमकिन है कि ये चीज़ मुमकिन में आ जाए तो ये वर्ड यूज़ होंगे. ठीक है, कैन, इसमें बेटा कैन और मे फर्स्ट फॉर्म है, कुड और माइट वुड ये सेकंड फॉर्म्स हैं. कैन, विल, कुड, वुड, टू इंडिकेट एबिलिटी. जो काबिलियत हमारे अंदर है उस चीज़ को जाहिर करने के लिए भी ये वर्ड यूज़ होते हैं. मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि जो हमारे सिर्फ लास्ट वन यूज टू जो है ये सिर्फ वाहिद वर्ड है, मॉडल वर्ब है, जो हमारे माजी की चीज़ को जाहिर करता है जो हमारे प्रेजेंट में नहीं होती. बाकी सारे जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज़ होते हैं. ठीक है, तो
नेक्स्ट है मस्ट विल शैल टू इंडिकेट सर्टेनली माइट शुड और टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी शायद को इम्कानात को जाहिर करता है कैन कुड मे टू इंडिकेट परमिशन इजाज़त को जाहिर करता है शुड मस्ट नीड और टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन किसी भी फ़र्ज को जो हमारा फ़र्ज होता है ठीक है उसको पूरा करने के लिए ये वर्ड हमारे यूज़ होते हैं यूज टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट हमारी जो गुजरे हुए वक्त की कोई आदत है तो उसको जाहिर करता है हमारा यूज टू जैसा कि कुछ एग्जाम्पल्स मुझे दी गई हैं तो इनको हम देख लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना मे आई आस्क यू आई फ्यू क्वेश्चन क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ परमिशन ली गई है ठीक है कैन यू स्विम क्या आप तैर सकते हैं एबिलिटी है यू शुड कीप योर प्रॉमिस तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए ऑब्लिगेशन फ़र्ज है ठीक है वी ऑट टू हेल्प हिम ये भी ऑब्लिगेशन मॉरल ऑब्लिगेशन होगी कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए इसमें बेटा ऑट भी आ सकता है इसमें माइट भी आ सकता है और शुड भी आ सकता है तीनों वर्ड्स इसके अंदर आ सकते हैं सॉरी माइटी मस्ट आ सकता है यहाँ पे ठीक है अब नेक्स्ट है हमारा बेटा ए पार्ट है हमारा कि यूज़ अप्रोप्रिएट मॉडल्स टू नीचे कुछ वर्ड्स उन्होंने सेंटेंसेस स्टेटमेंट सीखे हैं उनको हमने उन्होंने कहा है कि उसके अकॉर्डिंग एक एक आपने मॉडल वर्ब यूज़ करके सेंटेंस बनाना है ठीक है डिस्क्राइब योर थ्री एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ एबिलिटीज़ में देखें कैन विल कुड वुड इनमें से किसी को यूज़ करके तीन हमने अपनी एबिलिटीज़ जाहिर करनी है जैसे आई कैन ड्राइव अ कार आई कैन रीड अ बुक आई कैन स्पीक इंग्लिश ठीक है ये सारी तीनों मेरी एबिलिटीज़ हैं शो करनी है एज टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट बाहर जाने के लिए टीचर की परमिशन मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम या मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर तो क्वेश्चन मार्क एंड में तो ये हमने परमिशन ली है एज का फ्रेंड टू लैंड यू अ बुक एक फ्रेंड से पूछना है उनकी बुक लेने के लिए वुड यू गिव मी योर इंग्लिश बुक ठीक है वुड यू गिव मी योर बुक फॉर अ वीक ठीक है ये एक आप उसे इजाज़त ही ले रहे हैं परमिशन ले रहे हैं तो एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली जो चीज़ जाहिर करे कि ज़रूर करनी चाहिए मस्ट तो यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू से द प्रेयर ठीक है फॉर मॉर्निंग वॉक किसी भी चीज़ के लिए कि हमें उस चीज़ के लिए ज़रूर उठना चाहिए एक्सप्रेस ड्यूटी या ऑब्लीगेशन कुछ भी जाहिर करना है यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स ठीक है वी ऑट टू हेल्प हिम वी ऑट टू हेल्प द पुअर्स ये सारे बेटा इसमें एक्सप्रेस ड्यूटी में आ सकते हैं शेयर सम पास्ट हैबिट आई यूज टू वॉक इन द गार्डन व्हेन आई लिव्ड इन हॉस्टल जब मैं हॉस्टल में रहता था तब मैं वॉक करता था मतलब अब मैं वॉक नहीं करता अब मैं पार्क में नहीं जाता गार्डन में नहीं जाता जब मैं हॉस्टल में था तब मैं जाता था नेक्स्ट आता था हमारा तो ये थे बेटा हमारे मॉडल वर्ब्स आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने एक सेंटेंस बनाना है किसका यूज़ करके मॉडल वर्ब्स का यूज़ करके या आपकी आसानी के लिए मैंने साथ में लिखे भी हुए हैं तो बेटा नेक्स्ट हमारा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक था टाइप ऑफ सेंटेंसेस मैंने कितनी बताई थी हरी आप रिकॉल इन योर माइंड देयर आर मेन फाइव टाइप ऑफ सेंटेंसेस ठीक है लेकिन मैंने नेगेटिव को सेपरेट कर दिया था एक्सक्लेमेटरी इन दीज सेंटेंसेज वी शो द फीलिंग्स अलास ओ हुर्रा वाओ ठीक है ये सारी फीलिंग्स हैं एक्सक्लेमेटरी में शो होती हैं असर्टिव सिंपल स्टेटमेंट्स जिसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ सिंपल इंफॉर्मेशन ठीक है इंट्रोगेटिव ठीक है बेटा सॉरी अब इसमें फाइव टाइप ऑफ सेंटेंसेस थी एक्सक्लेमेटिंग शोइंग द फीलिंग्स असर्टिव सिंपल सेंटेंसेस इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव में बेटा आप लोगों को पता है क्वेश्चन मार्क्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और इसमें क्वेश्चन पूछा गया होता है क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ ठीक है कैन आई कम इन ठीक है कोई भी जिसमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम वेयर आर यू लिविंग नेगेटिव जिसमें मनफी जुमले बेटा आप लोगों को पता है जिसमें किसी भी चीज़ से मना किया गया है ठीक है आई डिड नॉट गिव यू माई बुक ठीक है मैं तुम्हें अपनी किताब नहीं दूंगा तो इम्पेरेटिव हुक्मीय जुमले होते हैं जिसमें हुक्म दिया गया हो किसी भी चीज़ का प्लीज़ सिट डाउन गेट ऑफ फ्रॉम माई क्लास ठीक है कोई भी प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर ये सारी एग्जांपल्स हैं इम्पेरेटिव की नाउ लेट्स द सेंटेंसेस सेंटेंसेस कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं बेटा इन स्टेटमेंट्स के आगे हमने टाइप्स लिखी हैं कि कौन सी टाइप का सेंटेंस है
आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड. आर्ट वो सब्जेक्ट है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ. तो एक साथ ही स्टेटमेंट है जिसमें उसने हमें इंफॉर्मेशन दी अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया. तो इसका मतलब ये क्या सेंटेंस होगा, किस टाइप का सेंटेंस होगा, एसर्टिव. सेकेंड है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम एंड में सेंटेंस के एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. सी एक्सक्लेमेशन मार्क इट्स मीन्स. और वैसे भी यहाँ पे बेटा फीलिंग्स बताइए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. वाओ हमारे फीलिंग्स हैं तो एक्सक्लेमेटरी होगा. टीच हिम टू लर्न, उसे पढ़ाएं ताकि उसे याद हो जाए. ये एक ऑर्डर है, ठीक है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है. मतलब कि ये कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस. हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकता हूँ. इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है. एट द एंड यू सी द क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव. ठीक है, शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट. वो एक गलत बात नहीं बता रहा, ठीक है, या उसने एक गलत रूमर नहीं फैलाई, गलत बात नहीं फैलाई, गलत बयानी नहीं की. तो ये क्या है, मनफी जुमला है नेगेटिव सेंस में. तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस होगा. तो बेटा ये वाली सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होंगी कि हमारी फाइव टाइप ऑफ सेंटेंसेज हैं और वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज किस किस किस्म की होती हैं. कौन हर किस्म की टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और साथ में एग्जांपल्स भी दे दिए हैं. तो हमारा आखिरी है पार्ट, सी पार्ट, पंक्चुएट द फॉलोइंग. पंक्चुएशन मार्क्स मैंने आप लोगों को बताया था कि पंक्चुएशन मार्क्स आर द सिंबल्स विच वी यूज टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर द सेंटेंस. जो कि किसी भी जुमले की तरतीब देने के लिए यूज़ होते हैं सिंबल्स, तो उनको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं. देर आर 14 पंक्चुएशन मार्क्स. तो सबसे पहले तो बेटा पंक्चुएशन के बगैर कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करना मुश्किल होती है. जब कोई कॉमास, फुल स्टॉप, हाइफन कोई चीज़ नहीं होगी, एक सीक्वेंस के साथ लिखा है तो हमें समझ नहीं आएगा कहाँ पर एंड हो रहा है, कोई क्या बयान कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है. तो लेट्स सी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आप लोगों को बताएं बेटा, वैसे तो हर स्टेटमेंट का, हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो प्रॉपर नाउंस होती हैं उनका वो अगर वो वर्ड्स मिड ऑफ द लाइन भी आ जाए तब भी हम उन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना के फर्स्ट वर्ड है हमारे सेंटेंस का, बल्कि ये एक प्रॉपर नाउन है. तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में हम कायद का क्यू और आज़म का ए दोनों कैपिटल करेंगे. वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट. यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है. देन पुट द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ग्रेट पैट्रियट एक अजीम हुबल वतन है, फुल स्टॉप लगाएं. और ही फर्स्ट वर्ड है नेक्स्ट सेंटेंस का, तो कैपिटल. ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स. मुस्लिम्स बेटा कौम का, एक स्पेसिफिक कौम का नाम है, इसलिए मुस्लिम्स का एम कैपिटल कीजिए. अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ आप लोग मिस कर रहे हैं कि ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द, जब मुख्तलिफ चीज़ें एक ही इंसान के बारे में या एक चीज़ के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनके दरम्यान में हम कोमास यूज़ करते हैं. जैसे हमने मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स की तीन चीज़ें बताई हैं, वैल्यूज़, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. ट्रेडिशंस के साथ हमने एंड लगा दिया. अब वैल्यूज़ और कल्चर्स को सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज़ करेंगे इधर. तो इससे हमें पता चलेगा ये तीनों चीज़ें सेपरेट हैं. ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, कोमा, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स. मुस्लिम्स का एम कैपिटल. ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, फुल स्टॉप. नेक्स्ट ही का एच कैपिटल. ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस. मुस्लिम्स का एम कैपिटल. अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम. एट द एंड वी पुट द फुल स्टॉप. तो हम दोबारा से ये पंक्चुएशन मार्क्स कर देते हैं. तो हम कायदे आज़म का क्यू कैपिटल करेंगे, आज़म का ए कैपिटल करेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ फर्स्ट वर्ड हैं बल्कि ये प्रॉपर नाउन भी हैं. ये मिड ऑफ द सेंटेंस भी आएंगे तब भी इनके कैपिटल लेटर होंगे. वाज़ अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट, पुट द फुल स्टॉप. एंड द नेक्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर इज ऑलवेज कैपिटल. ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ एंड कल्चर. दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं तो इनको सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज़ करेंगे. वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, फुल स्टॉप. एंड हो गया सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल. ही गेव द मुस्लिम्स. मुस्लिम्स का एम कैपिटल होता है बेटा. अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग सेपरेट होमलैंड फॉर देम. पुट द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस.
दैट्स इट स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट पेट्रियटिज्म. आई होप ऑल ऑफ यू विल लर्न वेरी वेल. आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा. बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद अस. सो एट द एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, एंड ऑल माई प्रेयर्स आर विद यू. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.